सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो कि है चैप्टर नंबर 10। उसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव्स ये चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक पार्ट से। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखना, मतलब आई मीन टू से पूरा देखना लास्ट से एंड तक, तो हर एक चीज़ तुमको डिटेल में समझ में आएगी। हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब ये हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होता है, ये अपने को पूरे चैप्टर में स्टडी करना है कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं, इसका IUPAC नेम कैसे देना है, हर एक चीज़ अपने को ये चैप्टर में स्टडी करना है हैलोजन डेरिवेटिव्स से रिलेटेड। चलो, सबसे पहले तो इसका मतलब होता क्या है हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या है, देखो, अगर मैं कोई भी हैलोजन ले लूँ, जैसे कि फ्लोरीन ले लूँ, क्लोरीन ले लूँ, ब्रोमीन ले लूँ, आयोडीन ले लूँ, ये सब क्या है, हैलोजन है। ओके, अब हैलोजन डेरिवेटिव्स किसके पढ़ने हैं अपने को, हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं अपने को हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। किसके पढ़ने हैं, हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ने हैं अल्केन्स एंड अरीन्स के। ये दो के अपने को चैप्टर में हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ने, किसके, ऑफ अल्केन्स एंड ऑफ अरीन्स, ये दो के पढ़ने। अब अल्केन्स एंड अरीन्स का मतलब क्या, अल्केन का मतलब तो तुमको पता है, अल्केन मतलब क्या होगा, R बॉन्ड H होगा, ठीक है। और जो अरीन होगा, अरीन मतलब कोई भी एरोमेटिक सिस्टम हो सकता है। नॉर्मली अपन क्या कंसिडर करते हैं, बेंजीन को कंसिडर करते हैं, ठीक है, सबसे सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन मतलब ये जो अल्केन है, इसमें से अगर मैं ये वाले एच को, आई मीन टू से ये वाला एच मतलब कोई भी एच, अगर कोई भी एच को रिप्लेस कर दूँ किसी भी हैलोजन से, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो कि आयोडीन हो, अगर अल्केन के किसी भी हाइड्रोजन को अगर मैं किसी हैलोजन से रिप्लेस कर देता हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हेलो अल्केन, क्या बोलेंगे, RX। और RX का मतलब क्या होता है, RX का मतलब होता है हेलो अल्केन या तो अल्काइल हैलाइड। हेलो अल्केन जो है वो IUPAC नेम है, और जो अल्काइल हैलाइड है वो क्या है, वो है कॉमन नेम, ठीक है। अल्काइल मतलब R और X मतलब हैलाइड, और हेलो अल्केन इज IUPAC, तो हेलो मतलब ये वाला X रहेगा हेलो, और ये वाला जो R रहेगा वो स्टैंड करेगा अल्केन के लिए, ठीक है। तो हेलो अल्केन, तो पहले चैप्टर को अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक रहेगा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, दूसरा रहेगा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरीन्स, ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गया। चलो, अभी अपन पहले बात करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स की। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन मतलब किसकी बात करेंगे, एग्जैक्टली हेलो अल्केन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हेलो अल्केन्स की, कि हेलो अल्केन्स होते क्या। अब डेफिनेशन तो मैंने तुमको बता दिया कि हेलो अल्केन का मतलब क्या, हेलो अल्केन आर द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, आर द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इन विच नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम, इन विच नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम, इसको अपन बोलेंगे हेलो अल्केन या तो अल्काइल हैलाइड। क्लियर है इतना। अब अगर हेलो अल्केन्स की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या रहेगा, कोई भी अल्केन हो सकता है, जैसे कि CH3CH2, ये हो गया इथाइल, और एक्स के जगह पे कोई भी हेलोजन ले सकते हो, मैं ले लेता हूँ क्लोराइड। तो ये किस में काउंट होगा, ये काउंट होगा हेलो अल्केन में। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है, जैसे अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूँ, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो इसका नाम हेलो अल्केन नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हेलो अल्कीन। क्यों हेलो अल्कीन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसको कौन अटैच है, उसको अटैच है मेरा हेलोजन, इसलिए इसको बोलेंगे हेलो अल्कीन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे रहेगा Cl, तो अगर कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को डायरेक्टली हैलोजन अटैच है, तो उसको अपन बोलेंगे हेलो अल्काइन। क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे हेलो हेलो अल्काइन, अल्काइन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसको बोलेंगे हेलो अल्कीन क्योंकि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसको डायरेक्टली कौन अटैच है, डायरेक्टली अटैच है हेलोजन, और इसको बोलेंगे हेलो अल्केन क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, और जो सिंगल बॉन्ड आ रहा है वही कार्बन को क्या अटैच है, हेलोजन, इसलिए इसको बोलेंगे हेलो अल्केन। तो डिफरेंस क्लियर हुआ, हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन एंड हेलो अल्काइन के बीच का, एकदम क्लियर है, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं कि और हेलो अल्केन्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, और कौन से पॉसिबिलिटीज है हेलो अल्केन को क्लासिफाई करने के। तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी क्या है, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कि कितने हैलोजन एटम अटैच्ड है, उसके बेसिस पे भी अपन क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है मोनो हैलोजन,
सबसे पहला है मोनोहेलोजन। तो मोनोहेलोजन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, मोनोहेलोजन। मोनोहेलोजन का मतलब क्या है, अगर मैं कोई भी एल्केन लेता हूँ, सपोज करो ये वाला एल्केन लेता हूँ CH3CH3, इथेन लेता हूँ। अब इथेन के अंदर अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2। अगर एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करता हूँ एक हेलोजन से, तो इसको अपन बोलेंगे मोनोहेलोजन। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे मोनोहेलोजन। तो वैसे ही डायहेलोजन का मतलब क्या हो जाएगा, डायहेलोजन मतलब अगर मैं किसी भी एल्केन में दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करूँ दो हेलोजन से, किसको, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करूँ दो हेलोजन से, तो इसको क्या कहा जाएगा, डायहेलोजन। जैसे कि अगर मैं यही इथेन का ही एग्जांपल लेता हूँ वापस से, CH3CH3, तो हो सकता है कि ये एक ही कार्बन के दो हाइड्रोजन अगर मैं रिप्लेस करता हूँ किसी भी दो हेलोजन से, तो भी इसको डायहेलोजन ही कहा जाएगा। या फिर क्या करता हूँ, इस पे से एक हाइड्रोजन निकालता हूँ और इस पे से एक हाइड्रोजन निकालता हूँ, तो कैसा बनेगा देखना, CH2, इस पे एक एक्स आ जाएगा और इस पे से भी एक हाइड्रोजन, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के इसको हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूँ, तो यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा, तो ये भी डायहेलोजन में काउंट होगा, ये भी डायहेलोजन में काउंट होगा। तो तुमको चेक क्या करना है, तुमको सिर्फ चेक करना है कि कितना हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है कितने हेलोजन से, कितने नंबर ऑफ हेलोजन से, वो उसका हो जाएगा मोनोहेलोजन। रहेगा तो एक बार रिप्लेस होगा, डायहेलोजन रहेगा तो दो रिप्लेस होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कैसे रिप्लेस हुआ है, दो रिप्लेस हुआ है। तो वैसे अगर तुम लोग ट्राईहेलोजन की बात करोगे तो तीन रिप्लेस हो गए, टेट्रा की बात करोगे तो चार रिप्लेस हो गए। मतलब जितना तुम लोग हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे हेलोजन से, वो उसका रहेगा डायहेलोजन, ट्राईहेलोजन, टेट्रा। क्लियर है, ये चीजें एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको और कौन से फॉर्म में अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, और कौन से वे में अपन इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अपने को ज्यादा ही चैप्टर में डील करना है मोनोहेलोजन से, किससे डील करना है, मोनोहेलोजन से अपने को डील करना है। ठीक है, तो मोनोहेलोजन को और कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, और इसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू विच कार्बन एटम इट इज अटैच्ड। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ CH3CH2, यहाँ पे लिखता हूँ X, तो ये जो हेलोजन है, ये हेलोजन ये कार्बन को अटैच है, और ये कार्बन का डिग्री क्या है, दिस इज 1 डिग्री कार्बन। क्या है कार्बन का डिग्री, 1 डिग्री। क्यों 1 डिग्री, क्योंकि ये एक ही कार्बन को अटैच है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे अपन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ऐसा कोई एग्जांपल लेता हूँ CH3CH, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं हेलोजन एंड यहाँ पे ले लेता हूँ CH3, तो सुनना, ये हेलोजन जो कार्बन को अटैच है वो कार्बन का डिग्री क्या है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन को अटैच है, 1, एंड इधर 1, तो कितने कार्बन को अटैच है, टोटल 2, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब है, इसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी सेकेंडरी अल्काइल अल्काइल हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे अपन, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो सिमिलरली अगर मुझे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की बात करनी है, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को कैसे लिख सकता हूँ मैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये है CH3, ये है C, यहाँ पे आ जाएगा हैलाइड, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये जो हैलोजन अटैच्ड है ये कार्बन को, ये कार्बन का डिग्री क्या है, कार्बन डायरेक्टली कितना कार्बन को अटैच है, 1, 2 एंड 3, मतलब दिस इज अ टर्शियरी कार्बन। ओके, तो इसको अपन बोलेंगे टर्शियरी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो क्लियर है, एक होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, एक होता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड एक होता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो डिफरेंस समझ में आया तीनों के बीच का, तीनों के बीच का सिंपल डिफरेंस क्या है कि ये हेलोजन जो कार्बन को अटैच है वो कार्बन का डिग्री काउंट करो, अगर वो कार्बन 1 डिग्री है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी, अगर वो कार्बन 2 डिग्री है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी, और वो कार्बन 3 डिग्री है तो उसको बोलेंगे टर्शरी। ये था तुम्हारा सिंपल क्लासिफिकेशन, किसका, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन था, कि इसको प्राइमरी अल्काइल भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी भी बोल सकते हो और टर्शरी भी बोल सकते हैं। क्लियर है, ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया कि किसको प्राइमरी बोलेंगे, किसको सेकेंडरी बोलेंगे और किसको अपन टर्शरी बोलेंगे। ठीक है, और इसके क्लासिफिकेशन अवेलेबल है, जैसे कि अपन इसको अलाइलिक हैलाइड में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, अलाइलिक, ALL, एक सेकेंड, इसको अपन अलाइलिक हैलाइड में भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, अलाइलिक हैलाइड। और दूसरा ही इसके साथ साथ पढ़ाऊंगा जिसको बोलते हैं अपन विनाइलिक हैलाइड,
विनाइलिक हैलाइड। अब ये अलाइल और विनाइल होता क्या है, ध्यान से सुनना। अलाइल का मतलब होता है ये वाला ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। ओके, यहाँ पे टू नहीं आएगा, सिर्फ CH आएगा। क्या आएगा? सिर्फ CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड। इतने ग्रुप को, ये पूरे ग्रुप को अपन बोलेंगे अलाइल, ये पूरे ग्रुप को अपन बोलेंगे अलाइल। और अगर विनाइल की बात हो रही है तो सिर्फ इसको बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, इतने पार्ट को अपन बोलेंगे विनाइल। क्या बोलेंगे? इतने पार्ट को अपन बोलेंगे विनाइल। ओके, तो अगर यहाँ पे हैलोजन लगा दिया जाए, कोई भी हैलोजन, फ्लोरिन हो, क्लोरिन हो, ब्रोमिन हो, आयोडीन हो, तो इसको बोलेंगे अपन अलाइलिक हैलाइड। और अगर यहाँ पे कोई हैलोजन लगा दिया जाए तो इसको बोलेंगे अपन विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन विनाइलिक हैलाइड। तो याद रखना, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH है तो इसको बोलेंगे विनाइल, और अगर CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, मतलब जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसके आगे और एक CH2 लगा दिया जाए तो ये टोटल पार्ट को कहा जाएगा अलाइल, और इसके आगे हैलाइड लगाओगे तो अलाइलिक हैलाइड, और विनाइल के आगे डायरेक्टली हैलाइड लगाओगे, मतलब जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है अगर उसको तुरंत तुमने हैलाइड अटैच किया है तो उसको बोलेंगे विनाइल हैलाइड। ठीक है, तो सिमिलरली अल्कोहल भी होता है। अगर मैं यहाँ पे एक्स के जगह पे OH लगाता हूँ, यहाँ पे एक्स के जगह पे OH लगाता हूँ, तो ये हो जाता है अलाइलिक अल्कोहल, और यहाँ पे अगर एक्स के जगह यहाँ पे भी अगर OH लगा देता हूँ तो ये हो जाता है विनाइलिक अल्कोहल, ये हो जाता है विनाइल अल्कोहल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक तुम लोग को कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है, वैसे ही अगर तुम लोग को अगर ऐसा पूछा, यहाँ पे अल्कोहल का क्यों बताया, क्योंकि अल्कोहल का भी सिमिलर वे में क्लासिफिकेशन किया जाता है जैसा हैलाइड का किया जाता है, इसलिए अल्कोहल का भी एक बता दिया। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन जो कार्बन को अटैच है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, चेक करना, ये वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ठीक है, क्यों sp3? क्योंकि इसको कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच है, वन, और इसके टू, 1+2 थ्री, और ये वाला फोर, फोर सिग्मा बॉन्ड अटैच है कार्बन को, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और अगर मैं पूछूं ये वाला हैलाइड जो कार्बन को अटैच है, मतलब ये वाला कार्बन, तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसको कितने सिग्मा बॉन्ड है टोटल, ये कार्बन को गिनो, वन, वन टू, और एक हाइड्रोजन का थ्री, थ्री मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो ये तुम्हारे एमसीक्यू में आ सकता है कि अलाइलिक हैलाइड में हैलोजन जो कार्बन को अटैच होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, या तो विनाइलिक हैलाइड में हैलोजन जो कार्बन को अटैच होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो तुमको पता होना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना तो आता है, ये 11th का बेसिक कंसेप्ट है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, नहीं भी पता है तो मैंने तुमको अभी जस्ट बता दिया कि कार्बन के सराउंडिंग कितने सिग्मा बॉन्ड है उतना गिन लो, कार्बन के सराउंडिंग जितने सिग्मा बॉन्ड है, अगर चार सिग्मा बॉन्ड है तो आंसर आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर तीन सिग्मा बॉन्ड है तो आंसर आएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर दो सिग्मा बॉन्ड है तो आंसर आएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नहीं भी पता है तो मैंने बता दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्लासिफिकेशन अलाइलिक हैलाइड एज वेल एज विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो वैसे बेंजाइलिक हैलाइड का भी क्लासिफिकेशन कर सकते हो। बेंजाइलिक का मतलब क्या, सुनो, ये आया बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक का मतलब क्या, ध्यान से सुनना, बेंजाइलिक हैलाइड, तो बेंजाइलिक हैलाइड में पहले तुमको बेंजाइलिक का मतलब होना चाहिए, बेंजाइलिक का मतलब पता होना चाहिए। तो बेंजाइलिक मतलब क्या, ये है तुम्हारा C6H5, ठीक है, दिस इज फिनाइल रिंग, दिस इज फिनाइल रिंग C6H5। तो C6H5 को जो ये वाला कार्बन अटैच होता है इसको बोलते हैं अपन बेंजाइलिक कार्बन, इसको क्या बोलते हैं अपन, बेंजाइलिक कार्बन। तो ये बेंजाइलिक कार्बन पे अगर कोई भी हेलोजन अटैच है तो इसको अपन बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। ये पूरा पार्ट किस में काउंट होगा, बेंजाइलिक में काउंट होगा, और ये होगा हैलाइड, तो इसको बोलेंगे अपन बेंजाइलिक हैलाइड। तो जैसे अलाइलिक हैलाइड था, विनाइलिक हैलाइड था, वैसे ये कौन सा हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड है। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं, एकदम सिंपल सी बात अभी तक चल रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, मैं तुमको पहली बोला कि मैं चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ, एक है हेलो अल्केन और दूसरा है हेलो अरेंज, तो मैं दोनों को कंबाइन करके नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत जम्बलिंग हो जाएगा। तो मैं पहले हेलो अल्केन लूंगा, उसका प्रिपरेशन कराऊंगा, उसका रिएक्शन कराऊंगा, फिर उसके बाद हेलो अल्किन्स लूंगा, आई मीन टू से हेलो अरेंज लूंगा, हेलो अरेंज लूंगा, और वहां पे उसका प्रिपरेशन कराऊंगा एंड उसका रिएक्शन कराऊंगा। ठीक है, तो दोनों सेपरेट सेपरेट होगा तो कन्फ्यूजन तुम लोग को एकदम कम होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है
वो आता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। क्या आता है? वो आता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। किसका? हेलो अल्केन्स, मतलब ही अल्काइल हैलाइड का। ठीक है, तो मैं तुमको यहाँ पे आईयूपीएसी एंड कॉमन नेम दोनों को एक साथ नहीं बताना चाहता, कि दोनों को एक साथ बता दो ना, तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया पर्सनली पढ़ाए टाइम कि स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सिर्फ आईयूपीएसी पढ़ा रहा हूँ, फिर सिर्फ कॉमन पढ़ाऊंगा। तो उससे क्या होगा, तुम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा एंड चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं आईयूपीएसी नेम का। किसका? अल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले तो तुमको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि आईयूपीएसी का फॉर्मेट क्या होता है। आईयूपीएसी का फॉर्मेट होता है अल्काइल हैलाइड के लिए हेलो अल्केन। क्या फॉर्मेट होता है? हेलो अल्केन इसका होता है फॉर्मेट। ठीक है, अब हेलो मतलब कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो, क्लोरीन रहेगा क्लोरो, ब्रोमीन रहेगा ब्रोमो, और अल्केन मतलब उसके लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम हैं। ठीक है, चलो तो अभी इसको अपन स्टार्ट करते हैं एकदम सिंपल वाले से। अगर मैं लिखता हूँ CH3Cl, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, चेक करना। अब हेलो, तो यहाँ पे कौन सा हेलोजन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन को क्या बोलेंगे अपन? क्लोरीन को बोलेंगे क्लोरो, और जो पहला लेटर है वो हमेशा कौन सा होना चाहिए? कैपिटल। तो ये हो गया क्लोरो क्लोरो। अब अल्केन मतलब यहाँ पे तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन वाला कौन सा अल्केन होता है? मीथेन। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। ठीक है, ये तो सिंपल है। अगर मैं ऐसा लगा दूँ CH3CH2Cl, तो इसको तुम लोग क्या बोलोगे? क्लोरो, और दो कार्बन है तो क्या बोलोगे? इथेन, क्लोरोइथेन। तो ये तो सिंपल है। अब मैं जाता हूँ थोड़ा सा आगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा आ जाए 1 2 3 और यहाँ पे लगा दे Cl, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कितना कितना हाइड्रोजन आ गया तुमको पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो बता दूँ, यहाँ पे एक बॉन्ड है तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। एक बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 आएगा, दो बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 ही आएगा, दो बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 ही आएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज़ थी, पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको 2 मिनट लगेगा बस एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ पे 3 आना चाहिए, कहाँ पे 2 आना चाहिए, कहाँ पे 1 आना चाहिए। चलो अब बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे नंबरिंग दो, तो 1 2 3, तुम लोग नंबरिंग कहाँ से दोगे? तुम लोग वहाँ से नंबरिंग दोगे जहाँ जहाँ से हेलोजन क्या पड़ रहा है? पास में पड़ रहा है, तो नंबरिंग तो यहीं से दोगे। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग देता हूँ तो क्लोरीन का जो ये वाला कार्बन है इसको कौन सा नंबर मिलेगा, चेक करो। 1 2 3, इसको 3rd नंबर मिलेगा। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, मुझे तो कम नंबर चाहिए। इसके लिए मैं कौन सा नंबर करेक्ट है मेरा, जो मैंने पहले किया है ऊपर से लेफ्ट, सॉरी राइट टू लेफ्ट इज द करेक्ट आंसर, 1 2 3। अब पहले कार्बन पर कौन अटैच है? क्लोरीन। तो इसका नाम क्या आएगा? 1, मतलब कौन से पोजीशन पे अटैच्ड है, तो 1 क्लोरो क्लोरो। और लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है? 3। 3 कार्बन है तो कौन सा अल्केन होता है 3 कार्बन का? प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। आ गया समझ में? एकदम सिंपल। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ लाइक दिस, अगर मैं कैसा लिखता हूँ इसको, ऐसा लिखता हूँ कि C C C, यहाँ पे अटैच्ड है क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 3। अब यहाँ पे सिलेक्ट करो लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन आएगा? 3। 1 2 3, अगर ऐसे जाते हो तो भी 1 2 3, इसको सेकेंडरी नंबर मिल रहा है तो कैसे भी चला जाओ एक ही बात है। अब सेकेंड नंबर पे कौन अटैच है? क्लोरीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो क्लोरो, और लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है? 3। 3 है तो इसका नाम क्या आ जाएगा? प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। हो गया एकदम क्लियर? एकदम क्लियर, यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, कोई भी एकदम क्या बोलते हैं, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल था, यहाँ पे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे नंबरिंग कब लगाना है? नंबरिंग तुमको तब लगाना है जब 3 कार्बन एटम आ जाए, क्योंकि जब 3 कार्बन एटम आते हैं तो ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि पहले कार्बन पे भी तो हेलोजन हो सकता है एज वेल एज दूसरे कार्बन पे भी तो हेलोजन हो सकता है, तीसरे पे नहीं हो सकता। अगर तीसरे पे कर दोगे तो नंबरिंग कहाँ से आ जाएगा? नंबरिंग फिर 1 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से नहीं आएगा वो केस में। ठीक है, तो फिर इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो 1 या तो 2, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी के जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में टोटल आईयूपीएसी भी खत्म कर दूंगा एज वेल एज इसके कॉमन नेम भी खत्म कर दूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, तुमको पता होने चाहिए। ठीक है, ओके, तो कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कुछ सजेशंस हो तो प्लीज़ वेलकम, ऑलवेज वेलकम, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हमेशा ओपन रहेगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा एंड उसको इम्प्रूवमेंट करूंगा। ओके, सो थैंक यू।